हरदोई की कोतवाली देहात पुलिस ने स्वाट एसओजी व सर्विलांस टीम की मदद के साथ अंतर जनपदीय 25,000 के इनामी एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये शातिर कोतवाली देहात क्षेत्र में हुई लूट में वांछित चल रहा था। इसके विरुद्ध हरदोई व कन्नौज में करीब 6 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसपी अजय कुमार ने बताया कि कोतवाली देहात पुलिस ने स्वाट टीम एसओजी व सर्विलांस टीम की मदद से जनपद कन्नौज के थाना तिरवा के ग्राम बलनपुर निवासी भारत उर्फ विवेक को कौड़ा में स्कूल के पास से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि ये लूट के मामले में पहले से वांछित चल रहा था। इसके विरुद्ध हरदोई व कन्नौज में करीब 6 आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। प्रकरण कोतवाली देहात जनपद हरदोई का है। हमारी कोतवाली देहात की पुलिस टीम स्वाट एसओजी और सर्विलांस के सम्मिलित प्रयासों से हमने 25,000 रुपए का इनामिया शातिर लुटेरा अपराधी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये अपराधी का नाम भारत उर्फ विवेक है। ये जिला कन्नौज के थाना क्षेत्र तिरवा के बलनपुर गांव का रहने वाला है। इसका एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। 8 लोग इस गैंग में शामिल हैं। ये भोले भाले लोगों को, आम जनता को सवारी बना करके बैठाता है बड़ी बड़ी कारों में और कुछ दूर पे ले जाकर इसे उनके साथ लूटपाट डकैती की घटना कारित करता है। इस तरह की घटना 22 मई को हमारे थाना क्षेत्र कोतवाली देहात में घटित हुई थी और उसी में ये वांटेड था। 25,000 रुपए का इनामी था जिसको हमारी पुलिस टीमों ने सबूतों के साथ गिरफ्तार किया है। आज इसको जेल भेजा जा रहा है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।